जा रहे हैं ले टू नुब्रा, जो कि नुब्रा में हमारा स्टे है वाया खरदुंगला। तो अभी ये है मेडिकल कैंप जहाँ पे थोड़ा फॉर्मेलिटीज किया जाता है जब ले से निकलने के साथ साथ, क्योंकि तो बाकी राइडर भी देख सकते हो आप यहाँ पे रुके हुए सब अपने रजिस्टर कर रहे हैं एंट्री काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, मिलते हैं आगे। सो गाइस, ये वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है क्योंकि मैं चाहता हूँ पूरा कवर करूँ। हर टाइप का टेरिंग स्मूथ भी है और रफ भी है, और काफ़ी जगह पे मैं नेविगेट नहीं कर पाया किस तरफ जाना है, क्योंकि पूरा ही रफ टेरिंग था, पूरा समझ भी नहीं आ रहा था कि रास्ता कौन सा। तो आप देखते जाइए, मैं दिखाता जाऊँगा। एंजॉय द वीडियो। और एक मज़े की बात है कि हम खरदुंगला पॉइंट तक पहुँच गए, पर उसमें से पिक्चर लिया हमने। इतना एक्साइटेड थे कि वीडियो लेना भूल गए, तो फिर वहाँ से स्टार्ट किया। तो जाके देख सकते हैं अब यहाँ से काफ़ी रोड कंडीशन काफ़ी ख़राब है, धीरे धीरे चलाना पड़ा और बर्फ से नदी भी नहीं रस्ते, ध्यान से चलना पड़ा। दिखने में लगता नहीं है, पर अगर थोड़ा मिस्टेक हुआ तो बाइक स्किड हो जाएगा, और स्किड हुआ तो फिर पता नहीं भगवान ही जाने क्या होगा।
feeling? How's the Josh? Hi, sir. Your high was so low. Hi, sir. Oxygen level kam ghatega bhai jitna baat kar rahe ho. Dekho, 500 bana bhai. Riders to gaane se chitta. Riders to gaane se chitta. Sir. जो कि आप देख सकते हो पानी, ये पानी बर्फ से बर्फ गल गल के पानी निकल रहा है, तो सब बर्फ का पानी है और मतलब स्लिपरी बहुत है, पूरा ध्यान से चलाना पड़ता है। फर्स्ट टाइम है, डर लग रहा है और क्या एक्साइटमेंट भी है और एक्सपीरियंस भी करना है। बचपन से शौक था एक बार चलाना है ये एल्टीट्यूड पे। फ्रंट व्हील में ऐसे कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। क्योंकि आप देख सकते हो आसपास कोई भी नहीं है, ऐसी जगह मैं नेविगेट नहीं कर पा रहा था। रास्ता किस तरफ है? अब ये देखो भाई, यहाँ तो पूरा क्या बताऊँ मैं, गाड़ी भी रुक गया था तो मैं डर गया था थोड़ा, तो फिर ध्यान से चलाना पड़ा, तो भाषा उतर गई, उतर के मेरी रिकॉर्डिंग कर रही है और मैं ध्यान से धीरे 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 निकल गया यहाँ से। लेकिन बहुत ही ध्यान से कर रहा था क्योंकि कॉन्फिडेंट था, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं दिखाना था, इसीलिए एकदम धीरे बहुत ही धीरे आया। साइड पे रुका कुछ देर, फिर देखा कि बहुत लोग अटक जाते, बहुत लोगों के लिए बहुत इजी है ये सब ट्रेंड, पर मेरे लिए आसान भी था थोड़ा टफ भी था। भाई वीडियो में देखा था यूट्यूब की, आज बस एक्सपीरियंस कैसा है? कैसा था? अच्छा था, पानी का फोर्स है, लगता नहीं है, पानी का फोर्स बहुत है। एंड हाउ वाज द रोड?
रोड इज ऑसम बट कहीं कहीं में आ जाता है लाइफ के जैसा। सो अभी मतलब निकल रहे धीरे धीरे, मैं तो बहुत ही धीरे चला रहा हूँ। अच्छा एक तो है केयरफुल चला रहा हूँ, मेरे को बस वो थ्री इडियट्स वाला जगह पे लेके चलो। हाँ वहाँ तो हम रहेंगे, वहाँ पे स्टे भी हमारा घर सारा स्टे वहीं पे है। तो मैं कर दूँ तो बन जाओ। हाँ बन सकते तो हमको, अगर ज़्यादा उछल कूद नहीं करना है क्योंकि ऑक्सीजन में प्रॉब्लम है, मेरे हाथ तो अभी वाइब्रेशन कर वाइब्रेशन में आ गया। कल भी ले में ऐसे ही हुआ था शाम को, फिर थोड़ा बहुत ठीक हो गया था, लेकिन आज अभी खारदुंगा से ऐसे महसूस हो रहा है। लेकिन अच्छा है, कोई नहीं, लाइफ में एक्सपीरियंस करना है, ये तो मैं मस्ट ट्राई करूँगी सबको। नहीं एक चीज़ है भाई, देखो अभी हमारी बार आप सब देखे वहाँ देखे गुजरात देखे आप हैं, आपके अगर वहाँ जरूर गिवअप कर दिया तो भाई वो बेकार। हाँ वो अच्छा काम करो, जहाँ दो दिन लगता है वहाँ तीन दिन रुको धीरे धीरे, और इतना हाई पड़ना नहीं है बजट। आप लग्जरी में रहना चाहते हैं तो मिल जाएगा, लेकिन नॉर्मल भी है बहुत सारा, 1000 रुपये में दो लोगों का कमरा मिल जाता है, उनसे है। हाँ खाना भी वैसा रीजनेबल, हाँ हाँ सस्ते वस्ते वहाँ पे रुक जाओ खा लो गुजरात का। हाँ तो लोकल्स यू आर वेरी काइंड हेल्पफुल। कारगिल्स वे एंड खारदुंगा। अच्छा मैं तो बोलूँगा बस ये कारगिल से जो रास्ता होता है, मतलब कारगिल टू लेह ऑसम, उसमें परफेक्ट, वो तो बाइक के लिए बना है भाई, मतलब बाइक के लिए नहीं होता है, जैसे स्मूथ राइड। बट यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल विद, यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ है, सेक्सी कर्व्स। हाँ ठीक है, मुझे बस एक ही चीज़ का टेंशन हो रहा था कि मतलब बाइक तो रेंट पे लिया, बाइक तो पता नहीं, नॉलेज नहीं है बाइक के बारे में, तो ध्यान से चलाना भी है, रास्ता भी तो रफ है, बस वही डर लग रहा था कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि हम तो सोलो आए हैं, बाकी तो ग्रुप में हैं, तो मैकेनिक भी होता है उनके साथ, स्पेयर्स भी होता है। और कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली हम लोगों ने टिल नूपुरा, तो कल देखते हैं कल का क्या 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 जाए। और ऐसे मतलब उबड़ खाबड़ की जगह में सिर्फ एक ही चीज़ का टेंशन ज़्यादा रहता है कि टायर कहीं लीक ना हो जाए, या ट्यूबलेस जो है फिर भी अगर हवा निकल गया तो भाई अपना भी हवा निकल जाएगा। और वैसे तो हिमालयन ऑफ रोडिंग के लिए अच्छा है, लेकिन जब चलाते हो मतलब होता है ना लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है, चलो कोई और हैवी सा बाइक हो तो और मज़ा आता। कोई नहीं, इसमें हमने बहुत ही मज़ा किया हिमालयन में, अगली बार कोशिश करूँगा कोई और बेहतर सा बाइक रेंट करूँ, या खुद लूँ, या दिल्ली से, या अपना हो, कोई मज़ा आया, खूब ही मज़ा आया।
आ गया हमारा लंच पॉइंट, जहाँ हम लंच करके निकलेंगे डायरेक्टली नुब्रा के लिए। हम मिलते हैं डायरेक्ट वहीं रिजॉर्ट पे। तो आ गए हम नुब्रा वैली, यहाँ हम लोग रिवर राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद निकलेंगे अपने कैंप साइट के लिए जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर अप्रॉक्स। तो यहाँ पे हम राफ्टिंग करेंगे और राफ्टिंग का वीडियो आएगा नेक्स्ट ब्लॉग पे, दैट विल बी एपिसोड 5। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।